हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा दसवीं में स्टडी कर रहे प्यारे बच्चों और अगस्त का मासिक परीक्षा इन्हें अगस्त का मंथली एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यहां पर संस्कृत का वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीधा आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग देखेंगे संस्कृत का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना होता है 105 होता है और समय जो रहेगा वो डेढ़ घंटे का ही रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का ही रहेगा। यानी जिस तरह से पिछले महीने में आप लोग जुलाई में मासिक परीक्षा दिए थे, उसी तरह से यहाँ पर अगस्त में भी मासिक परीक्षा आपको देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए इसका पूरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे संस्कृत में और 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पहले से ही आप लोग तैयारी कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्याघ्र प्रतीक जो है ना, पथिक कथा शीर्षक पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कौन सा ग्रंथ, यानी कि किस ग्रंथ से आपका संकलित, यानी किस ग्रंथ से लिया गया। तो आपको याद रखना है हितो प्रदेश से, यानी कि हितो प्रदेश से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। बाबू किस कांड से संकलित है, बिल्कुल याद रखिएगा, अयोध्या कांड से संकलित है। किससे संकलित है, तो अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, कहाँ से इसका आंसर की मिलने वाला है, कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिएगा चित्रकूट जो है किस नदी के किनारे यहाँ अवस्थित है, यानी कि तो याद रखिएगा मंदाकिनी जो है नदी है उसके किनारे ये अवस्थित है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट नदी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंदाकिनी नदी का वर्णन, यानी कि वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है प्यारे बच्चों। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल याद रखिएगा किससे है, तो रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हितो प्रदेश के रचयिता कौन है। हितो प्रदेश के रचयिता जो है ना कौन है बाबू, तो याद रखिएगा नारायण पंडित है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो याद रखिएगा ये व्याघ्र पथिक कथा में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी किसे देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। राम जो है ना मंदाकिनी नदी जो है ना किसे दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना सीता को दिखा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई। विशाल जो है ना विशालाक्षी उपाधि जो है ना किसे दी गई प्यारे बच्चों, तो आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा ना याद रखिएगा सीता को। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। सोने का जो कंगन था ना वो कौन लेकर बैठा था, तो वृद्ध जो है ना वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्याघ्र लेकर बैठा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कनौतीय उपाधि किससे, किस यानी कि किस उपाधि जो है ना उपाधि से किसे संबोधित किया गया। कौनौतीय उपाधि जो है ना किसे संबोधित किया गया बाबू, तो बिल्कुल याद रखना है आपको अर्जुन। ठीक है, अर्जुन से संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज्ञान भाड़ा क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो ज्ञान भाड़ा यानी क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना व्याघ्र प्रतीक कथा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीचड़ में कौन गिर गया। कीचड़ में जो है ना कौन गिर गया प्यारे बच्चों, तो पथिक गिर गया कीचड़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा, स्वामी जो है ना स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। स्वामी बिरजानंद जो है ना किसके गुरु थे बाबू, तो याद रखिएगा दयानंद जी का थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना वो बिल्कुल जो है ना यानी कि टंकारा ग्राम में हुआ था जी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर जो है ना कौन था। करमवीर जो थे ना वो कौन थे, तो बिल्कुल राम प्रवेश राम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बागीचे में संधि विच्छेद क्या होगा, बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बाघ जोड़ ईस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
त्रीनी संख्यावाचक शब्द में किस लिंग का है? तो ये बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर होगा वो स्त्रीलिंग रूप है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्व, ठीक है, महत्व यानी कि प्रत्यय क्या कहता है शब्द के पीछे, उपसर्ग शब्द के आगे, प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका PDF जो है ना कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को, justevaleducation.in सर्च करना है। justevaleducation क्या करना है आपको, .in करके सर्च करना है। जैसे ही आप लोग .in करके सर्च करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर में ही लिंक आ जाएगा, .in जरूर लगाना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं .in, तो इसी .in को लगाना है, तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आना, जैसे ही नीचे आते देखिए कक्षा 9 और कक्षा 10th मासिक परीक्षा, तो क्लास 10वीं है, तो क्लास 10th पे आप लोग मासिक परीक्षा पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में क्लास 10th मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका ऊपर में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अगस्त मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर पर देख सकते हैं, आपको सब कुछ पढ़ लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसमें समझ में कुछ नहीं आने वाला, पहले पढ़ लेना है। अब जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है, संस्कृत है प्यारे बच्चों, तो संस्कृत वाला पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे संस्कृत पर क्लिक करते हैं अगस्त मासिक परीक्षा संस्कृत अगस्त मासिक परीक्षा देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे आता सब कुछ यहाँ पर बताया गया कि आपका एग्जाम डेट कब है, कौन सा सीटिंग में आपका एग्जाम लिया जाएगा, सब कुछ यहाँ बताएगा। आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत अगस्त मासिक परीक्षा ने मंथली एग्जाम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर की मिलेगा बिल्कुल 100%, ठीक है। आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर चेक करते रहना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना आंसर आएगा सब कुछ यहाँ पर आपको अटैच मिल जाएगा। और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड बटन दिया है संस्कृत का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात की जाए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? लंबोदर जो है ना किस समाज का उदाहरण है बाबू? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल याद रखिएगा बहुव्रीहि समाज का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तथा गृह गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अव्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंथाना शब्द किस रूप किस विभक्ति का है? पंथान शब्द जो है ना किस रूप यानी किस पंथान शब्द जो है रूप जो है ना किस विभक्ति का है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रथमा विभक्ति का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ? दिगंबर का बात किया जाए तो आपका व्यंजन संधि का इसमें बात किया गया, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर जो हो जाएगा 23 का वो बहुव्रीहि समास का। अगला देखिएगा, किस समास में अन्य पद का प्रधानता हो जाती है? किसका हो जाती है? तो यानी कि बहुव्रीहि समास के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? महानता पद में जो है ना किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो बिल्कुल याद रखिएगा तल प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशाल प्लस अच्छी की संधि क्या होगी? विशाल प्लस अच्छी यानी कि विशालाक्षी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रवेग यानी कि प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल 27 का पाक जोड़ ए, ठीक है, प्राक जोड़ ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वही उपपद में योग के यानी कि उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो पंचमी विभक्ति का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दातव्यम पद में किस प्रत्यय हुआ? बताना है आपको कि यानी कि दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा जाए, अगला क्वेश्चन है कि यानी कि अनुयोग पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनु का हुआ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपका नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।